गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम ये वीडियो लेसन में आपका जो काउंटिंग फिगर्स है, ठीक है, फिगर को काउंट करेंगे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये सारे सारे क्लास के लिए आपका अवेलेबल है, मतलब सेकंड क्लास से लेकर प्राइवेट क्लास तक मैं भेज दूंगा, आप सारे सारे देखना, क्योंकि इस टाइप का आप पहले से पढ़ चुके हो, ठीक है, और एक बार रिकॉल कर लेना, ठीक है। कैसे आप सारे सारे ट्रिक्स के साथ बताऊंगा आप कैसे कोई भी शेप देगा उसमें कैसे आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। इसमें हम कवर करेंगे थ्री टाइप ऑफ फिगर्स। एक में आ जाएगा ट्रायंगल, काउंटिंग द ट्रायंगल, काउंटिंग ट्रायंगल। सेकंड में काउंटिंग स्क्वायर, और थर्ड में काउंटिंग रेक्टेंगल, ठीक है। ये तीनों टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, पहले काउंटिंग द ट्रायंगल, सेकंड में काउंटिंग काउंटिंग ट्रायंगल, काउंटिंग स्क्वायर, काउंटिंग रेक्टेंगल, ठीक है। ये तीनों हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, काउंटिंग द ट्रायंगल, ठीक है। आप कैसे ट्रायंगल काउंट करोगे, तो इसका फॉर्मूला आता है, देखो यहां पे एक शेप दिया है, ठीक है। हाउ मेनी ट्रायंगल्स इन दिस फिगर, तो कैसे करोगे ना, सिंपल इसको क्या करना है, वन और टू दे देना, और ये दोनों को आर कर देना, जैसे क्यूमुलेटिव करते हो ना, तो सेमी इसी टाइप का आपको कर देना है। तो वन प्लस टू क्या आ जाएगा, नाटक थ्री हो जाएगा। कैसे ना, देखो ये एक ट्रायंगल है और ये भी एक ट्रायंगल है, दो दो ट्रायंगल हो गया, और दोनों को मिला के एक ट्रायंगल बनेगा, तो क्या ना तीन तीन ट्रायंगल हो गया। सेमी और एक ट्रायंगल बनाऊंगा, ठीक है, यहां पे बनाता हूं, ये है, ठीक है, और एक लाइन खींच देता हूं। तो इसमें कितने ट्रायंगल्स है, कैसे काउंट करोगे, ना सेमी वन टू थ्री फोर दे देना। अभी क्या करना है, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर को आठ कर देना, तो कितना होगा, थ्री थ्री सिक्स प्लस प्लस फोर क्या देगा, इसमें कितने ट्रायंगल्स है, ना टेन ट्रायंगल्स है। कैसे ना, देखो मैं काउंट करके बताता हूँ, एक ये तो चार हो गया, फिर ये दोनों को मिला के एक बनेगा, इसको इसको मिला के पांच, फिर इसको इसको मिला के बनेगा छह, फिर इसको इसको मिला के बनेगा सात, ठीक है, सेवन होगा, फिर क्या होगा ना, ये दोनों को मिला के एक बनेगा, फिर ये दोनों को मिला के एक बनेगा, तो क्या होगा, सेवन टू नाइन हो गया, और ये सबको मिला के क्या बनेगा, एक बनेगा, तो कितना ट्रायंगल हो जाएगा, ना टेन ट्रायंगल्स हो जाएगा। कैसे ना, ये तो फोर हो गया, फोर ट्रायंगल, फिर ये दोनों को मिला के एक, ये भी दोनों को मिला के, मतलब फोर टू सिक्स हो गया, फिर ये दोनों को मिला के, फिर ये दोनों को मिला के क्या हो गया ना, आपका कितना हो गया ना, सिक्स हो गया, फिर ये यहां से एक ऐसे लेके एक बनेगा, ठीक है, क्या होगा, सेवन, और फिर यहाँ पे ऐसे लेके बनेगा, तो ऐसे ही आप काम करोगे, टोटल कितना आएगा ना, आपका टेन ट्रायंगल्स आएगा। ये होता है एक फॉर्मूला। तो सेम ही मैं आपके लिए दो क्वेश्चन देता हूँ, आप इसको सॉल्व करके मेरे को हाउ मेनी ट्रायंगल्स है इसको बताना। ठीक है, इस तरह के ट्रायंगल है, इसमें कितना ट्रायंगल्स है काउंट करके मेरे को बताना, और एक क्वेश्चन है, इसमें भी कितना ट्रायंगल्स बनेगा इसको भी मेरे को ड्रा करके बताना, सॉरी काउंट करके बताना, इसमें कितने ट्रायंगल्स है और इतने इसमें कितने ट्रायंगल्स है इसको काउंट करके बताना। सेमी क्या करना है, सीरियली वन टू थ्री फोर दे देना, देने के बाद उस सबको मिला देना। ये एक तरह होता है ट्रायंगल का, और एक होता है आपका क्या ना, इस टाइप का ट्रायंगल, ये आसान हो गया आपको, अभी काउंट कर सकते हो। और एक क्वेश्चन दे देता हूँ, बड़ा बड़ा ट्रायंगल बना के उसमें भी काउंट करके मेरे को बताना कितने ट्रायंगल्स होगा। ठीक है, इसमें कितने ट्रायंगल्स है इसको कैसे काउंट करोगे ना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन दे देना, देने के बाद इसको सब क्या करना है, आठ कर देना। क्या लिखोगे ना, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन, इक्वल टू जितना आएगा आपका उतना ट्रायंगल इसमें बनेगा। कितना आ रहा है, थ्री वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस थ्री क्या दे, सिक्स प्लस फोर टेन, टेन प्लस क्या देगा फाइव, फिफ्टीन, सिक्स ट्वेंटी वन,
21, 7, 28 ट्रायंगल को काउंट कर सकते हो। ये तो एक तरह ट्रायंगल होते हैं। और कभी कभी आप देखे हो कि ट्रायंगल को क्या करता है, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, होने के बाद फिर ऐसे, और ऐसे करके फिर ऐसे बेस लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, जितना बेस लाइन रहेगा सेमी 1, 2, 3 दे देना, तो इसको क्या करोगे ना, इसको ऐड कर देना 1 + 2 + 3 इक्वल क्या होगा ना, स्टिच हो जाएगा। स्टिच हो गया तो यहाँ पे कितना बेस लाइन है, एक बेस लाइन है और ये भी एक बेस लाइन है, लेकिन दो, तो इसमें क्या करना है 1, 2, तो इसको क्या करना है 6 × 2 कर देना, क्यूब ना आपके 12 बनेगा। यहाँ पे इसको ये इसको बेस लेके आपका 6 ट्रायंगल बनेगा, फिर यहाँ से इसको बेस लेके यहाँ भी क्या बनेगा 6 ट्रायंगल बनेगा, तो इसीलिए ये क्या आ जाएगा ना 6 में 2 मल्टीप्लाई कर देगा जितना आएगा आपका क्या आएगा ना, इसको 6 × 2 लिख दो तो क्या आएगा ना आपका कितना बनेगा ना 12 ट्रायंगल इसमें बनेगा सेमी। और कभी कभी क्या आता है ना, ये तो हो गया सेमी, और एक एग्जाम्पल देके मैं बता देता हूँ कैसे होता है। तो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया और यहाँ पे एक बेस लाइन खींच लिया 1, 2, तो इसमें कितना है 1 + 2 हो जाएगा 3, 3 × 1, 2, तो 3 × 2 क्या देगा 6, तो कितने ट्रायंगल इसमें बनेगा ना 6 ट्रायंगल बनेगा, समझ में, जितना बेस लाइन रहेगा, सपोज और एक बेस लाइन में खींच दूंगा यहाँ पे, ठीक है, कितना ट्रायंगल बनेगा ना यहाँ पे क्या कर देगा 3 मल्टीप्लाई कर देना और ये क्या देगा 9 हो जाएगा, कितने ट्रायंगल्स बनेगा ना आपका 9 ट्रायंगल्स बनेगा। ये होता है आपका फॉर्मूला, इसको यूज करके आप क्या कर सकते हो ना ट्रायंगल को काउंट कर सकते हो। और एक ट्रायंगल का और एक तरह का क्वेश्चन आता है, वो है आपका ट्रायंगल देखे हो किस टाइप का ना, तो इस तरह ट्रायंगल आसानी से देखते हो, ये भी एक ट्रायंगल आता है, इसको सिंपल एक बता देता हूँ कैसे होता है, यहाँ पे ओनली एक ही ले देता हूँ, ठीक है, इस तरह ट्रायंगल आता है आप देखे हो। तो इसको काउंट करने का ये है कि क्या ना आपको देखना है कितना इसका बेस लाइन है, तो क्या है 1 और 2 है, कितना बेस लाइन है ना 3 बेस लाइन है, तो इसको क्या करोगे ना, और सेमी इसको कैसे लिखते हैं ना 1, ठीक है, और इसको क्यूमुलेटिव 1, 2 लिख दिया, तो क्यूमुलेटिव में लिखूंगा 1 की जगह 1 रहेगा, प्लस इसको मिलाऊंगा तो क्या जाएगा ना 3 हो जाएगा, तो 3 + 1 क्या जाएगा 4 हो जाएगा। लास्ट है क्या करूंगा ना, एक को छोड़ के एक को क्रॉस करना है, तो लास्ट है मैं क्या करूंगा ना आपका लास्ट वाला क्रॉस करना है, फिर क्या करूंगा ना आपका एक को छोड़ के एक, मतलब ये क्रॉस हो जाएगा, फिर यहाँ पे और एक नंबर होगा तो वो क्रॉस होगा, लेकिन ये नंबर क्रॉस नहीं होगा, तो प्लस क्या कर दूंगा ना 1, तो कितना यहाँ पे रहेगा ना 5 ट्रायंगल, तो 5 ट्रायंगल कैसे मैं दिखाता हूँ, ये एक है और ये नीचे 3 है, तो कितना हो गया 4 ट्रायंगल हो गया, और सबको मिला के क्या बनेगा टोटल कितना ट्रायंगल बनेगा ना 5 ट्रायंगल बनेगा। ये फॉर्मूला आता है सेमी में, क्या बताया ना आपको ये वाला ट्रायंगल में काम करते हैं कितने ट्रायंगल है, तो इसको क्या करना है 1, 2, 3, 4, तो ऐसे ही लिख देना, कैसे लिखोगे ना 1 लिखना, ठीक है, फिर 2, फिर 3, फिर 4 लिख देना, ठीक है, लिखने के बाद उसको क्या करना है पीछे नंबर के साथ ऐड करना है, उसको क्या करोगे ना पीछे नंबर के साथ ऐड करना है, तो 1 को 1 रहेगा, ये 1 + 2 क्या देगा ना 3, 3 + 3 क्या देगा 6, 6 + 4 क्या देगा ना 10 हो जाएगा। अभी ये लाइन को काट दो, अनली इसको ऐड करो, कितना देगा ना 4, 10, 20, ठीक है 21 प्लस 3 क्या करोगे ना एक को छोड़ के एक को क्रॉस करना है, तो ये नंबर को क्रॉस कर देना, और ये दोनों से कितना आएगा ना +7 आएगा, +7, तो क्या देगा ना 27 ट्रायंगल इसमें रहेगा। समझ में आया, तो लास्ट से क्रॉस करोगे, ठीक है, लास्ट है, ये लास्ट से क्रॉस करना है,
और जो दो बचेगा इसको क्रॉस कर देना, इसको क्रॉस कर देना, और ये 6 + 1 = 7 हो गया, और ये सबको मिलाया तो हमारा 20 आया था, 20 + 7 क्या आ जाएगा 27। इस टाइप के ट्रायंगल के लिए ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, ठीक है। टोटल ट्रायंगल इतना ही आएगा। तो सेमी में दो क्वेश्चन देता हूँ, आप इसको प्रैक्टिस कर लेना। इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं आप इसको क्या करना है काउंट करके बताना। ये फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं आप काउंट करके मेरे को बताना, ठीक है। तो सेमी फॉर्मूला अप्लाई करोगे हो जाएगा। उसके बाद क्या है ना काउंटिंग स्क्वायर, हम स्क्वायर को काउंट करेंगे, ठीक है। सेकेंड में बताया था क्या ना काउंटिंग स्क्वायर, क्या सीखेंगे ना काउंटिंग स्क्वायर। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, अच्छा विजिबल हो जा रहा है। तो सेकंड में क्या होगा, सेकंड में काउंटिंग स्क्वायर, तो काउंटिंग स्क्वायर करने के लिए मैं एक फिगर बनाता हूँ। आप ये सबको सोच रहे हैं कि ये स्क्वायर है, ठीक है, रेक्टेंगल टाइप का देखा दे रहा है, लेकिन सोच रहे हैं कि ये भी एक स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, सब क्या होता है ना स्क्वायर होते हैं। तो ये फिगर में कितना स्क्वायर बनेगा आप इसको क्या करना है ना काउंट करना है, ठीक है। तो इसको कैसे काउंट करोगे ना, आपका सिंपल फॉर्मूला है कि हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल इसमें क्या करना है ना आपको 1 2 3 लिख देना, फिर 2 3 इसको नंबरिंग कर देना। नंबरिंग करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ इसको, आप क्या करना है ना 3 × 3 लिखना, क्यों यहाँ पे भी 3 है वहां पे भी 3 है, फिर एक एक घटाना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 9, फिर 2 × 2 करना है तो क्या आएगा ना आपका क्या हो जाएगा ना 4 हो जाएगा, फिर 1 × 1 करना है तो क्या आएगा 1 आएगा, और 0 × 0 करूंगा तो 0 होगा, कोई फायदा नहीं है। अभी सबको मिला देना तो कितना होगा ना 14। तो इसमें कितना स्क्वायर है ना 14 स्क्वायर है, इसको आप काउंट करके देख सकते हो इसमें कितना स्क्वायर आएगा ना 14 स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो सेम ही और एक फिगर लेता हूं आपको, एक छोटा सा सिंपल सा देता हूं, ठीक है। एक फिगर है इसमें क्या करना है हमें बताया, 1 2 2 कर देना। तो पहले क्या लिखोगे ना, इसका लास्ट और इसका लास्ट को लिखना है, ठीक है। 2 × 2 हो गया तो 4 आएगा, फिर क्या करना है एक एक घटाना है, ठीक है। 2 से एक घटा तो सबट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या आएगा 1, ये 2 से एक सबट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या आएगा ना 1, तो क्या जाएगा 1 × 1 क्या जाएगा 1 होगा, तो 4 × 1 क्या जाएगा ना 5। इसमें कितना स्क्वायर रहेगा ना 5 स्क्वायर रहेगा, टोटल कितना रहेगा ना टोटल 5 स्क्वायर होगा, ठीक है। समझ में क्यों ना, देखो यहाँ पे काउंट करके दिखाता हूँ, ये एक है और ये एक है, 2 ये एक है, 3 और ये एक है, 4 और ये सबको मिला के एक बनेगा तो क्या हो गया ना 5। मैं बताया स्क्वायर, ये दोनों को सपोज 2 स्क्वायर मिला देंगे रेक्टेंगल बन जाएगा, स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, इसको ध्यान देना। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया ना आपका टोटल 5 स्क्वायर बन जाएगा। तो सेम ही और एक फिगर देता हूँ, ठीक है। ये एक फिगर है, ठीक है, इसमें कितना स्क्वायर बन पाएगा उसको भी हम काउंट करना है, ठीक है। इसमें कितना स्क्वायर बन पाएगा उसको भी हमको काउंट करना है, ये सब एक एक स्क्वायर है, कंसीडर कर लेना स्क्वायर है। तो मैं क्या बताया ना 1 2 3 4 दे देना और 2 3, ठीक है। तो क्या हो गया 2 3, तो अभी क्या लिखूंगा ना 3, जब काउंट करूंगा स्क्वायर क्या देगा ना, मैं क्या लिखूंगा ना 3 × 4 इसका लास्ट में और इसका लास्ट में,
है, तो उसके बाद ये क्या देगा, ना 12 होगा। 12 होने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, नया कटन है, 3 से 1 जाएगा 2 आएगा, और ये 4 से 1 जाएगा तो 3 आएगा, तो कितना आ गया 3, इसमें 1 और इसमें क्या आ जाएगा ना 2, तो क्या आएगा ना 2। अब ये 0 * 1 करूंगा तो क्या आएगा 0 आएगा, तो अभी इसको सब ऐड करना है, तो 2 6 8 20, तो टोटल कितना स्क्वायर इससे बन पाएगा ना 20 स्क्वायर इसमें होगा, टोटल स्क्वायर कितना है ना, टोटल आपका यहाँ पे क्या है ना 20 स्क्वायर है। समझ में आया, ये होता है ट्रिक्स, आपको ऐसे ही अप्लाई करना है, इसका लास्ट नंबर कर देना, मल्टीप्लाई करना और एक 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 सबट्रैक्ट करते जाना, तो जब जीरो हो जाएगा, जीरो में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेगा जीरो आएगा, इसलिए ये लाइन नहीं देते, कोई फायदा भी नहीं है यहाँ तक, और जो आएगा मल्टीप्लिकेशन इसको ऐड कर देना है, तो आपका क्या देगा ना टोटल स्क्वायर मिल जाएगा। तो सेमी मैं क्वेश्चन देता हूँ उसको सॉल्व करके मेरे को कमेंट करना, हाउ मेनी स्क्वायर्स इन दिस फिगर, दो क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है ना, पहले देखो इसको मेरे को सॉल्व करके बताना आपको कितना इसमें स्क्वायर बनेगा। ये फिगर है, ये सब स्क्वायर है, ये सब स्क्वायर है, स्क्वायर टेबल नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन फिर सोचना ठीक है। और इसमें कितना स्क्वायर होगा उसको भी काउंट करके मेरे को बताना है, ये आपके लिए दो क्वेश्चन है, तो मेरे को ये बताना है इसका आंसर कितना रहेगा, 2 स्क्वायर से ठीक है। उसके बाद क्या है, मैं वो बताया था काउंटिंग द रेक्टेंगल, ठीक है, हम अभी रेक्टेंगल को काउंट करेंगे। ठीक है, इसमें कितना रेक्टेंगल बनेगा, देखो मैं पहले एक्स स्क्वायर भी क्या हो सकता है ना रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर, क्यों ना, सारे सारे स्क्वायर एक रेक्टेंगल हो सकता है लेकिन सारे सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो पाएगा, क्यों, रेक्टेंगल का अपोजिट साइड क्या होता है ना इक्वल होता है, लेकिन स्क्वायर का क्या है सारे सारे साइड इक्वल होना चाहिए, और इस तो 90 डिग्री इसमें भी है इसमें भी है, तो इसीलिए हम बोलते हैं क्या ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर, ठीक है, सारे सारे रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं लेकिन सारे सारे स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, ठीक है। अभी ये फिगर में कितना रेक्टेंगल बनेगा हमको काउंट करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 2 कर दो, ये यहाँ पे 2 कर दो, ठीक है, इसका डिजिटल सम मतलब ये दोनों को मिला के कितना आएगा 3, और ये दोनों को मिला के कितना आएगा ना 3, तो टोटल कितना बनेगा इसमें ना, ये दोनों को ऐड करना है, ठीक है, 1 + 2 क्या आएगा ना 3 आएगा, और यहाँ पे 1 + 2 करोगे तो क्या आएगा ना 3 आएगा, ये लाइन है हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वर्टिकल इस 3 सम आएगा, तो अभी क्या करते हैं ना टोटल जब डिटरमाइन करोगे तो क्या है ना 3 × 3 कर देना, क्या आएगा ना 9, यहाँ पे कितना रेक्टेंगल बन पाएगा ना 9, कैसे ना देखो ये एक है, ये 4 तो हो गया, 4 होने के बाद ये दोनों को मिलाएंगे एक बनेगा 5, और ये दोनों को मिलाएंगे एक बनेगा रेक्टेंगल, 6 हो गया, ये दोनों को मिला के एक बनेगा 7, और ये दोनों को मिला के एक बनेगा 8, और ये सबको मिला के एक बनेगा, तो क्या हो गया 9 रेक्टेंगल्स हो गया, कैसे ना ये 4 हो गया और ये दोनों को मिला के 1, और फिर ये दोनों को मिला के 1, क्या हो गया 6, फिर ये 7, 2 यहाँ पे 2 आ गया, क्या हो गया 4 + 6 = 8 हो गया, और सबको मिला के 1 बनेगा, आपका टोटल कितना होगा ना 9 रेक्टेंगल होगा। सेमी में और यहाँ पे एक फिगर बनाता हूँ, ठीक है, इसमें कितना रेक्टेंगल है तो क्या करना है 1 2 3, तो यहाँ पे क्या जाएगा ना 3 3 6, टोटल जब ऐड करूंगा 1 + 2 + 3 क्या जाएगा ना 6, यहाँ पे 2, 1 + 2 क्या जाएगा ना 3 हो जाएगा, तो टोटल कितना होगा ना 6 × 3
18, टोटल इसमें कितना होगा ना 18 रेक्टेंगल्स होगा, इसमें टोटल कितना रेक्टेंगल होगा ना 18 रेक्टेंगल आपका होगा, ये इस तरह का फिगर में 18 होगा। तो सेमी में और दो क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप उसको क्या करना है सॉल्व कर लेना। यहाँ पे आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टली नंबरिंग करके 8 का देना, वर्टिकली नंबरिंग करके 8 का देना, और जो 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 सम आएगा सम को तो मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल बन जाएगा। लेकिन स्क्वायर केस में क्या हो रहा था ना, एक एक घंटा का मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो फिर और एक क्वेश्चन यहाँ पे दे देता हूँ, इसमें कितना रेक्टेंगल होगा मेरे को काउंट करके कमेंट कर देना। ठीक है, ये फिगर में हाउ मेनी रेक्टेंगल, ठीक है फाइंड इसमें कितने रेक्टेंगल्स है मेरे को काउंट करके बताना, और कुछ डाउट आएगा तो मेरे को मैसेज कर देना ताकि मैं ठीक है आपको बता दूंगा। थैंक यू।